नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को टीम स्पॉन्टेनियसली ऑसम की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि विदित है, आज शारदीय नवरात्रि का पांचवा दिन है, यानी माँ स्कंद माता की पूजन अर्चना का दिन। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में मनाया जाता है। भगवान स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवे स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मात स्वरूपिणी देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी निचली भुजा जो कि ऊपर को उठी हुई है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णता शुभ्र है अर्थात श्वेत है। माँ स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं, इसी से इन्हें पद्मासन की देवी और विद्या वाहनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी से है, तो आइए हम माँ की स्तुति कर कथा प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता की नवरात्रि के पांचवे दिन पूजन होती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। शास्त्रों में इस देवी का काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दो कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना प्रारंभ कर दिया। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही हम महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जानते हैं। यह पर्वत राज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती हैं। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से महेश्वरी कहलाती हैं और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से भी पूजी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजन करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लौटाती हैं। बोलिए स्कंद माता की जय। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे अगले वीडियो में हम आपको माँ कात्यायनी की कथा से अवगत कराएंगे। तो इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप इस सीरीज से जुड़ी किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाएं। जय माता दी।